दोस्तों ये 1000 रुपये की मशीन है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो कोने के अंदर, ये है 5300 रुपये की मशीन। मतलब दोस्तों अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप इस मशीन को लेकर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, दोस्तों ज़्यादा की मैं बात नहीं करूँ, आपके पास सिर्फ 7 से अगर 8000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है तो आप इस बड़ी मशीन को लेकर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों आप एक ही मशीन से 50 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बिजनेस कर सकते हो। और दोस्तों प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और दोस्तों आप इधर आगे जो मशीन देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 मशीनों को देखकर आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि हमारे आगे इतनी सारी मशीन क्यों रखी है, हम इसमें से कौन सी मशीन खरीदे गए या मशीन क्या क्या काम की है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये मशीन जो है बहुत ही अलग अलग प्रकार की मशीन है, बहुत ही यूनिक वर्क करती है। और दोस्तों आपके माइंड में जो आ रही है कि ये मशीन वो वाली मशीन होगी, तो वो वाली बिल्कुल भी मशीन नहीं है, बिल्कुल यूनिक मशीन है और इस मशीन का काम भी बहुत ही नया है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन मशीनों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी इस मशीन के बारे में। दोस्तों आप ये जो देख रहे हो मेरे आगे ऑरेंज कलर की ये जो मशीन दिख रही है आपको, है ना दोस्तों, ये दिखने में बहुत ज़्यादा छोटी है लेकिन इसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों इसका प्लग है, इस प्लग को हम डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और इस मशीन को ऑन कर देते हैं। अब दोस्तों आप किस प्रकार एक ही मशीन को लेकर 50 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बिजनेस कर सकते हो, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरी देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मशीन के बारे में। तो हमारी ये जो मशीन आप देख रहे हो, ये मशीन चालू हो गई है, ठीक है, ये मशीन हमारी चालू हो गई है। अभी हम इस मशीन से वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये है अपने एक पैकेट, इस पैकेट को आप इस मशीन को यहाँ पे रखना है और इस मशीन के हैंडल को प्रेस करना है। तो हमने जैसे ही मशीन के हैंडल को प्रेस किया तो अभी ये जो हमारा पाउच है ऊपर से पैक हो गया है। मतलब दोस्तों अभी ये मार्केट के अंदर सेल होने के लिए बिल्कुल रेडी है। दोस्तों इसके अंदर चाय पत्ती है, आप अलग अलग प्रकार के मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मिलते हो होलसेल के अंदर, वो खरीद कर आप भरकर सेल कर सकते हो। और दोस्तों इसके पीछे आप अपनी ब्रांड का स्टिकर भी छिपा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये है ना, ये पूरी ट्रांसपेरेंट ठेली है। मतलब एक साइड से सिल्वर दिखती है, एक साइड से ट्रांसपेरेंट दिखती है, एक साइड से कुछ नहीं दिखता है, तो एक साइड से इसके अंदर भरा हुआ माल दिखता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो यहाँ पर स्टिकर लगा देते हैं ताकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, आप अपनी ब्रांड के नाम से, कोई भी ब्रांड के नाम से इसके ऊपर स्टिकर लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम पीछे लगा लेते हैं अपनी ब्रांड का स्टिकर, ये बहुत बड़ा है, आप छोटा भी लगा सकते हो। तो दोस्तों तो ये कितना यूनिक लग रहा है, कितना नया लग रहा है, पीछे से आप देख सकते हो इसके अंदर माल दिख रहा है। तो दोस्तों ये मशीन का काम करते हैं, ये पैकेजिंग मशीनरी है। तो दोस्तों आप सोच लो कि ये मशीन सारी अलग है या ये मशीन अलग है, दोस्तों ये बिल्कुल मशीन, ये मशीन जो आप देख रहे हो ना मेरे हाथ में जिससे मैंने पैकेजिंग की है, तो इसकी मैं आपको क्वालिटी की बात करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इन सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ है। ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये 8 इंच की मशीन है, मतलब 8 इंच तक आप कोई भी पाउच पैक कर सकते हो। और अगर हम इसके क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों ये मशीन की प्राइस है 1000 रुपये। जी हाँ दोस्तों 1000 रुपये है, लेकिन दोस्तों ये मशीन चीप क्वालिटी की आती है, इतनी खास क्वालिटी की नहीं आती है। आप इससे जो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, 1-2 महीने के अंदर ये मशीन ख़राब हो जाएगी और पैकेजिंग भी इसके अंदर अच्छी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग हैं जो कम प्राइस के अंदर हमारे से मशीन मांगते हैं और बोलते हैं कि अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन 1000 रुपये के अंदर मशीन मिलती है। तो दोस्तों यही वो मशीन है, 1000 रुपये वाली, यही मशीन की अमेजोन पर मिलती है, तो ये हमारे पास भी मिल जाएगी। इससे आप पाउच पैक कर सकते हो, देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार पाउच पैक हो रहे हैं। नॉर्मली आपको होलसेल के अंदर से रॉ मटेरियल को खरीदना है, पाउच के अंदर भरना और मार्केट के अंदर सेल करना है। दोस्तों ये 100 ग्राम का पैकेट है, आप 250 ग्राम का पैकेट भी रेडी कर सकते हो, 500 ग्राम का पैकेट भी रेडी कर सकते हो और 1 kg का पैकेट भी रेडी कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको एक ही पाउच अभी पैक करके बताया, क्योंकि अभी बहुत सारे पाउच पैक करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जल्दी हम नेक्स्ट मशीन पर जाते हैं। दोस्तों ये जो मशीन है ना, दोनों मशीन सेम लग रही है, आपको देख सकते हो साइज में भी सेम है और बिल्कुल सेम लग रही है, लेकिन दोस्तों ये मशीन थोड़ी अलग टाइप की है। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि ये मशीन थोड़ी लो क्वालिटी की है, लेकिन ये मशीन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर आता है ना इस मशीन के अंदर, वो आता है एल्यूमिनियम का, जिससे ये जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन दोस्तों इस मशीन के अंदर आता है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, दोनों का ट्रांसफार्मर मिक्सर आता है। तो दोस्तों ये मशीन बहुत अच्छी है, इससे भी मैं आपको एक पाउच पैक करके बताता हूँ। दोस्तों इसके अंदर देखो हमने नमकीन भरी है, आप ग्रामीण इलाके के अंदर पाउच के अंदर नमकीनें वगैरह भरकर पैक कर सकते हो, 10 रुपये की नमकीन, 20 रुपये की नमकीन, है ना। तो इसको भी मैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जोड़ देता हूँ। दोस्तों ये मशीनों जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पर आपके घर की बिजली पर चल जाएगी आराम से, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें जो इसको आप टेम्परेचर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, टेम्परेचर तेज भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम रखते हैं, दोस्तों ये हमारा पैक हो गया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये कटिंग भी हो गया है,
मतलब दोस्तों ये मशीन दो काम करती है। अगर आपको कोई पाउच पैक करना हो तो खाली पैक भी कर सकते हो और कटिंग भी कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको पहले जो पाउच बताया ना, ये इस प्रकार का पैक हुआ था। मतलब दोस्तों आप टेम्परेचर कम रखोगे तो पाउच है जो कटिंग नहीं होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो पाउच कटिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कटिंग जो है पाउच वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए आप खाली पैकेजिंग कीजिए ताकि अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार के आप नमकीन भी भर सकते हो, नमकीन 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम के मार्केट में सेल कर सकते हो। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रोडक्ट रेगुलर चलने वाले हैं, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि ये हर घर के अंदर हर रोज़ में यूज़ लिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनका बिजनेस करते हो तो आपके मैं गारंटी देता हूँ बहुत ज़्यादा ये बिज़नेस चलेंगे। अब हम बात करते दो मशीनें तो हो गई, इस मशीन की प्राइस मैंने आपको बता दी 1000 रुपये थी, इस मशीन की प्राइस है 1500 रुपये, जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की आती है। अब दोस्तों तीसरी मशीन आप देख रहे हो, दोस्तों आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये तीनों मशीन एक जैसी है, लेकिन इनमें सबसे अच्छी मशीन कौन सी है 8 इंच वाली में। दोस्तों ये 8 इंच वाली मशीन है, तो सबसे अच्छी मशीन ये रहेगी दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर जो आता है वो आता है कॉपर का। जी हाँ दोस्तों, प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर आता है। और बहुत से लोग मुझे ऐसा बोलते कि हम डेली मतलब हर रोज 24 घंटे यूज करते हैं मशीनों का, तो कौन सी मशीन बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों अगर आप 24 घंटे दिन के अंदर यूज करते हो तो ये मशीन बेस्ट रहेगी। आप कितना भी यूज करो इस मशीन के कुछ नहीं होगा। इससे भी मैं आपको पाउच पैक करके बता लेता हूँ। तो हमने टेम्परेचर थोड़ा कम पे रखा है ताकि ये कटिंग ना हो पाउच, तो इसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों सारे दिन मैं भूल रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डालने के लिए, तो बहुत सारी मशीनें मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया हूँ। तो इसके अंदर हमने डाल दिए और ये हमारी मशीन जो है वो चालू हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा पाउच पैक हो गया है। दोस्तों ये मशीन बजी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगी इसके अंदर, वरना सभी मशीनें बजती है। दोस्तों इसकी आप क्वालिटी देखो, पाउच की जो पैक हुआ है ना, बहुत ही शानदार पैकेजिंग हुई है इस मशीन से, बहुत ही शानदार पैकेजिंग हुई है। ये 8 इंच की मशीन है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पैकेजिंग क्या बेस्ट रहेगी, तो मैं आपको नीचे गिरा कर दिखाऊंगा कि ये मशीन किस प्रकार चलती है और क्या इसकी क्वालिटी रहती है। दोस्तों देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों आप क्वालिटी देख सकते हो, इसके अंदर 1 kg से भी ज़्यादा वजन है, लेकिन दोस्तों ये फटी नहीं। मतलब दोस्तों आप सोच सकते हो कि इस मशीन का काम कैसा होगा। तो आप इस प्रकार के पाउच पैक कर सकते हो। मैं आपको एक और पाउच पैक करने वाला हूँ। दोस्तों इसके अंदर हमने साबुदाने डाले जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। और दोस्तों मैं आपको ये जो बिज़नेस आपको बता रहा हूँ पैकेजिंग का बिज़नेस, इसकी मैं एक और आपको खास बात बताता हूँ कि दोस्तों अभी जो मार्केट के अंदर सभी लोग पैकेजिंग में माल खरीदना पसंद करते हैं, शक्कर हो गई, आटा हो गया, सभी लोग पैकेजिंग में माल खरीदना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अगर आप पैकेजिंग में बिज़नेस करते हो तो बहुत ज़्यादा चलने वाला है। मैं एक और आपको पाउच पैक करके बता देता हूँ इस मशीन से। ये जो हमारा है ये पाउच पैक हो चुका है। दोस्तों देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पाउच पैक हुआ है, बहुत ही यूनिक तरीके से पैक हुआ है। इसे बोलती है हम सिंह, आपको पता ही होगा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ना। आप 500 ग्राम 250 ग्राम 1 kg के अंदर इसे मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। दोस्तों प्रॉफिट कैसे रखना वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को आप स्किप मत करना। दोस्तों अभी हमारी बात हो गई 3 मशीन के बारे में, इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस है इसकी 2250 रुपये। जी हाँ दोस्तों 2250 रुपये ये मशीन की प्राइस है। बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है दोस्तों, आपको ऐसी मशीन और कहीं देखने को नहीं मिलेगी और आप इसे पूरे दिन तक यूज कर सकते हो। तीनों मशीनें हो गई है दोस्तों, ठीक है। 3 मशीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं ये मशीन। दोस्तों आप इस मशीन को देख कर ही आपको पता लग गया होगा इसमें क्या चेंजेस है। दोस्तों ये 8 इंच की मशीन थी, ये 12 इंच की मशीन है। मतलब दोस्तों इन मशीनों से आप छोटे छोटे पाउच पैक कर सकते हो, जैसे कि 100 ग्राम का हो गया, 500 ग्राम का हो गया, 1 kg का हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास बड़ा पाउच है, बड़ा पाउच जैसे कि 2 kg 5 kg तक कोई पॉलीथीन है, 12 इंची तक कोई पॉलीथीन है, तो आप इस मशीन से पैक कर सकते हो। मैं इससे आपको जो पैकेजिंग करके भी दिखाने वाला हूँ किस प्रकार पैकेजिंग होती है, क्या क्वालिटीज रहती है। तो ये हमारी मशीन चालू हो गई है। अब हम पैक करते हैं बड़े पाउच, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी मशीन है तो हम बड़े वाले पाउच पैक करेंगे। दोस्तों ये देख सकते हो ये नमकीन है इसके अंदर, ठीक है। आप नमकीन भी सेल कर सकते हो। मतलब दोस्तों अगर आपके दिमाग में जो भी आए कि ये सेल होगा वो आप पॉलीथीन के अंदर पैक करके सेल कर सकते हो। अब सेल करने के बाद आप अपनी ब्रांड का स्टिकर भी लगवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम मशीन को पैक करते हैं, मशीन को नहीं पाउच को पैक करते हैं हम। तो ये हमारा पाउच रेडी हो गया है बिल्कुल भी सेल होने के लिए। दोस्तों देख सकते हो कितना शानदार पाउच दिख रहा है। इसे मार्केट में आप सेल करने जाओगे एक बार तो दुकानदार आपसे ज़रूर ही खरीदेगा, ठीक है। अब मैं इसके पीछे एक अपना स्टिकर भी लगा के बता दूं आपको किस प्रकार का यूनिक लगता है, किस प्रकार का नया लगता है।
और दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सी पॉलीथीन ऐसी आती है जो पॉलीथीन इस पैकेट के अंदर ही स्टिकर या कोई अपना ब्रांड का नाम से कवर डाल देती है, तो आप भी दोस्तों ऐसा कर सकते हो, इसके अंदर भी डाल सकते हो कोई कागज़ वगैरह ना ब्रांड के नाम से। तो यहाँ पर हम लगाते हैं उसको इस प्रकार से, कुछ यहाँ पर ये लग गया है दोस्तों। अब देख दो ये नमकीन बहुत ही यूनिक लग रही है, बहुत ही कमाल की लग रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको होलसेल के अंदर नमकीन खरीदनी है, आटा खरीदना है, चाय पत्ती खरीदनी है, सिंग खरीदनी है, चना खरीदना है, पैक करके मार्केट के अंदर सेल करना है। दोस्तों ये मशीन जो मैंने आपको बताई 18-12 इंच की मशीन है, बड़े पाउच आप पैक कर सकते हो 12 इंच तक दोस्तों। तो इसकी प्राइस की बात करें तो इस मशीन की प्राइस है 1700 रुपये, ठीक है 1700 रुपये इस मशीन की प्राइस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस मशीन के बारे में कि इस मशीन में डिफरेंस क्या है, दोनों मशीन सेम है, ये भी 12 इंच की है, ये भी 12 इंच की है। तो दोस्तों ये जो मशीन है ये सिर्फ एल्यूमिनियम के ट्रांसफॉर्म की बनी हुई होती है, और ये जो मशीन है ये एल्यूमिनियम नहीं है, कॉपर की है, प्योर कॉपर की है। इसे भी आप 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हो, इस मशीन का कुछ नहीं होगा। वेट में भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही यूनिक क्वालिटी की ये मशीन आती है, बहुत ही नई क्वालिटी की मशीन आती है, आपको मार्केट के अंदर बहुत कम देखने को ये मशीन मिलती है, ठीक है। तो इससे भी हम पाउच पैक कर देते हैं, तो इसको भी हम डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ये हमने डाल दी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और यहाँ पर हम रखते हैं पाउच को और इस मशीन को दबाते हैं। तो ये जो हमारा पैकेट है वो मार्केट के अंदर सेल होने के लिए बिल्कुल रेडी है दोस्तों। ये नमकीन का पैकेट है, 300 ग्राम नमकीन का पैकेट है, ठीक है। इसे आप आराम से सेल कर सकते हो, देख सकते हो दोस्तों क्वालिटी, देखो आप पैकेट की कितना शानदार लग रहा है। नमकीन के अंदर एक एक जो भी है सब दिख रहा है एकदम साफ, और बहुत ही अच्छी नमकीन लग रही है ये क्वालिटी के अंदर भी, ठीक है। तो इसे भी हम चेक करते हैं क्या यह पैकेजिंग सही से हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों देख सकते हो बहुत ही जोर से मैं आपको बहुत ही स्पीड के साथ इसे पटक रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है इसके, ठीक है, मतलब बहुत ही शानदार क्वालिटी की पैकेजिंग हुई है। और दोस्तों अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा पैक करके, क्योंकि मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं, चार मशीन हो गई हमारी, ठीक है, 1, 2, 3 और ये 2। ये मशीन 8 इंचों के अंदर मशीन है तीनों मशीन, ये मशीन 12 इंच के अंदर है। दोस्तों अब सबसे खास बात आती है दो मशीनों की। दोस्तों अगर आप इन बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे मेन रोल रहता है आपको इन दोनों मशीनों में, क्योंकि दोस्तों ये जो मशीन है ना ये एक लाइन वाली पैकेजिंग करती है, एक लाइन वाली, मतलब समझ रहे हो आप। कैमरा मैन भाई साहब मेरे पास आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों देख सकते हो ये जो मशीन है ना एक लाइन वाली पैकेजिंग हुई है, ये एक लाइन वाली। इसके अंदर थोड़ी रिस्क रहती है, क्योंकि अगर बाहर कहीं माल जाता है ट्रांसपोर्ट में वगैरह जाता है, या कोई दुकानदार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेता है, तो फूटने का चांस रहते हैं, मतलब लीक होने के चांस रहते हैं। वैसे तो चांस ऐसे नहीं रहते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चांस रहते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये मशीन एक लाइन वाली है, इधर आइए, ये जो मशीन देख रहे हो आप, ये देखो ये मशीन है एक लाइन वाली, इसे बोलते हैं एक लाइन वाली मशीन। तो इनसे एक लाइन वाली पैकेजिंग होती है, इनसे आप जो छोटे पाउच पैक करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा अगर आप करोगे हैवी तो चांस रहते हैं लीक होने के, वैसे होते तो नहीं है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं इन मशीनों के बारे में। ये जो हमारी मशीन है छठी मशीन बोल सकते हो, सिक्स वाली मशीन हमारी, ये दोस्तों यहाँ पर देखो ये इसके 2 वायर है, मतलब दोस्तों 2 वायर पैकेजिंग होती है, थोड़ी मोटी पैकेजिंग होती है, बहुत शानदार पैकेजिंग होती है। इसके अंदर आप पहले 5 kg कोई भी क्वांटिटी से पैक करो, 1 kg पैक करो, कुछ नहीं होने वाला है, पैकेजिंग बहुत शानदार होगी। पैकेजिंग करके मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार पैकेजिंग होगी, क्या रहता है। दोस्तों ये रही, देखो इतनी बड़ी ठेली के अंदर हम पैक करने वाले हैं। इसके अंदर हमने इसे बोलते हैं मकरोनी मेरे हिसाब से, आपके एरिया में क्या पता क्या बोलते हैं, पास्ता टाइप होता है ये। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर सेल होता है। और दोस्तों अभी वीडियो को पूरा देख रहे हैं, वीडियो के अंदर मैं आपको मशीनों की वापस प्राइस बताने वाला हूँ, और अभी तक मैंने आपको प्रॉफिट नहीं बताया है, तो प्रॉफिट भी बताने वाला हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तो हम इसको डालते हैं प्लग के अंदर, हमने डाल दिया प्लग के अंदर, मशीन हमारी चालू हो गई है, अभी बारी है इस मशीन को टेस्ट करने की। दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से देखना किस प्रकार से मशीन काम करती है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमने रख दिया है इस पाउच को, ठीक है, फिर आपको इस हैंडल को प्रेस करना है, हैंडल को प्रेस किया, पाउच पैक, क्वालिटी देखना दोस्तों आप, क्वालिटी देखो कितनी मोटी पैकेजिंग हुई है। अभी इस मशीन इस पाउच को कुछ होने वाला नहीं है, कितने भी ऊपर से गिराओ, कहीं से भी गिराओ, भले आप बुर्ज खलीफा कर जाकर गिराओ, कुछ नहीं होने वाला है इस पाउच को, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम नीचे आपको टेस्टिंग करते हैं,
बहुत ही शानदार पैकेजिंग हुई है दोस्तों, देख सकते हो मज़ा आ गया मतलब पैकेजिंग के अंदर। तो ये होती है हमारी दो लाइन वाली मशीन है, इससे आप छोटे पाउच भी पैक कर सकते हो, बड़े पाउच भी पैक कर सकते हो, बहुत ही आसानी से मार्केट के अंदर सेल भी कर सकते हो। अब हम बात करते वाले कि छोटे पाउच हम पैक करके दिखाते हैं आपको। ये हमने शक्कर डाली है इसके अंदर दोस्तों, आप शक्कर कुछ भी आपके आइडिया में आए जो पैक करके आप बेच सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें जो इसको पैक करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने रख दिया है पाउच को, ये हमारा शक्कर पैक हो गया है दोस्तों। ग्रामीण इलाके के अंदर लोग कम कम क्वांटिटी में माल खरीदते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम तक, ज़्यादा वो नहीं जाते। तो आप 100 ग्राम, 200 ग्राम या 250 ग्राम के पैकेट ग्रामीण इलाकों के अंदर किराना की दुकान पर सेल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये पैक हो गया है, दो लाइन वाली मशीन पैकेजिंग हुई है, देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी बारी खत्म हो गई, अब आती है इसकी बारी। दोस्तों इस मशीन की मैंने आपको प्राइस नहीं बताई, इसकी इस मशीन की प्राइस है 3,300 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इतनी सस्ती मशीन आपको इतनी अच्छी क्वालिटी की कहीं नहीं मिलती है। और दोस्तों इसकी एक और खास बात कि इसके अंदर दो ट्रांसफार्मर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो ट्रांसफार्मर आते हैं, मतलब दोस्तों आप कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त से यूज कर सकते हो, 48 घंटे, 1 महीने तक लगातार भी यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस मशीन की, ये बहुत ही नई मशीन है दोस्तों, मुझे गारंटी है कि आपने ऐसी मशीन आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बहुत ही यूनिक मशीन है, इन सब मशीन के अलग लगा हुआ है और इन मशीन के अलग लगा हुआ है। दोस्तों ये 6 लाइन वाली मशीन है, मतलब दोस्तों 6 लाइन वाली पैकेजिंग होती है इस मशीन से, बहुत ही मोटी पैकेजिंग होती है, बहुत ही प्रोफेशनल पैकेजिंग होती है। अब मैं आपको पैक करने वाला हूँ दोस्तों इस मशीन से भारी आइटम जो होती है, भारी आइटम 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 12 इंच तक आप कोई भी पाउच पैक कर सकते हो। दोस्तों ये भारी आइटम है, इसके अंदर हमने दलिया डाला है, मुझे हाथ में बहुत ये भारी लग रहा है, मतलब 2 किलो या 2.5 किलो का समथिंग होगा ये। तो इस मशीन से हम पैक करते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डालना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम डाल देते हैं इसे, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डाल दिया है दोस्तों। ये जो मशीन है ना, अभी यहाँ पर हमारी मशीन ऑन हो चुकी है, देख सकते हो दोस्तों बजरी भी है। लेकिन दोस्तों ये जो मशीन है ना, इस मशीन को हीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन आपने मैंने आपको बताई थी, ये जैसे हम दबाते हीट हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये हॉट बार सीलर मशीन है, मतलब बहुत ही यूनिक क्वालिटी की मशीन है। तो इसको आपको 5 या 10 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, 5 या 10 मिनट के बाद जैसे गर्म होती है तो आप लगातार इससे पाउच पैक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप टेम्परेचर का भी ऑप्शन आता है, देखो टेम्परेचर भी आप रख सकते हो, अगर क्वालिटी अगर बहुत ज़्यादा हैवी है पाउच की तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। और दोस्तों आप इस मशीन से कैसा भी पाउच हो, मोटा से मोटा पाउच आप इस मशीन से पॉलीथीन पैक कर सकते हो, सिर्फ वो प्लास्टिक का पाउच होना चाहिए, है ना, कागज़ का वगैरह इससे पैक नहीं होता है, पॉलीथीन का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा तेज़ कर लेते हैं, और दोस्तों अभी मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करूँगा क्योंकि दोस्तों इसको 10 मिनट तक टाइम लगेगा, 5 या 10 मिनट तक, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारी मशीन जो है वो हॉट हो चुकी है, देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा है, ठीक है। तो इसे हम हॉट बार बोलते हैं। ये पाउच मैंने आपको पहले बताया था, बहुत हैवी पाउच है, इसको अभी हम पैक करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल आपको रखना है, ठीक है, और इस मशीन को यहाँ से आपको जो पैक करना है। तो प्रेम भाई आप इसके हैंडल को प्रेस करो थोड़ी देर तक, बस बंद कर दो। तो ये मशीन दोस्तों देख सकते हो, क्वालिटी देखो आप पैकेजिंग की, इतनी मोटी पैकेजिंग हुई है, 6 की 6 लाइन यहाँ पर चप चुकी है, मतलब दोस्तों बहुत ही यूनिक क्वालिटी हुई है, मैं कह नहीं सकता कि आपको, मतलब लफ्जों में बयान नहीं कर सकता है, इतनी खास क्वालिटी की हुई है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर। अब हम इसे नीचे भी गिराते हैं दोस्तों, ये कम से कम इसके अंदर 2 kg वेट है, लेकिन ये नीचे देखो कैसे गिर रही है, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ये सब मशीनें भी हिल गई है, मतलब धरती हिलने लग गई है, लेकिन इसके कुछ नहीं हुआ अभी तक। इसे बोलते हैं 6 लाइन वाली मशीन का कमाल दोस्तों, देख सकते हो पैकेजिंग देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई बड़ी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर पैक हुआ है। तो ये रही हमारी 6 लाइन वाली मशीन है, मैं आपको एक और पाउच पैक करके बता दूंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी आपको। तो ये रहा हमारा पाउच, इसके अंदर हमने आटा डाला लगभग 1.5 से 2 किलो के करीब है, और बहुत हैवी पाउच है, मतलब वेट में भी ज़्यादा होता है। और दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बताए, आपके माइंड में जो भी आए उस प्रोडक्ट को आप पैक करके शेयर कर सकते हो, किराना की दुकान पर हो गया, होलसेल दुकान पर हो गया। तो हम इन्हें इसे पैक करते हैं इस पाउच को, तो हम यहाँ पर रखते हैं और नॉर्मल आपको हैंडल को प्रेस करना है, तो प्रेस कर दीजिए प्रेम भाई, आप इन्हें छोड़ दीजिए। तो ये हमारा पैक हो गया है दोस्तों, क्वालिटी देखो, क्वालिटी देखो कितनी शानदार क्वालिटी है, लाइन देखो आप, प्रोफेशनल पैकेजिंग हुई है,
एक किलोमीटर नीचे से गिरा लो, कहीं से भी गिरा लो, कुछ होने वाला नहीं है, बहुत ही शानदार। इसके ऊपर आप 100 पैकेट रख लो, 200, 1000 पैकेट रख लो, ऐसा कैसे ऊपर, कुछ नहीं होने वाला है। देखो लीक भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, मतलब बहुत शानदार। और दोस्तों ये दिखने में भी बहुत ही यूनिक लगता है। और दोस्तों तो इस मशीन का कमाल यही है कि ये मशीन बहुत ही यूनिक है, चेयरलाइन वाली पैकेजिंग करती है और बहुत ही यूनिक लगता है। दोस्तों इस मशीन की प्राइस की बात करते हैं, इस मशीन की प्राइस है 5300 रुपये। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5300 रुपये इस मशीन की प्राइस है। इसे बोलते हैं हॉट बार सीलर मशीन। इससे आप छोटे पाउच भी पैक कर सकते हो, बड़े पाउच भी पैक कर सकते हो, और 12 इंच तक आप कोई भी पाउच पैक कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको इन मशीनों की प्राइस बता ली। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में, मैं कि अगर आप इनमें से कोई भी मशीन को लेकर स्टार्ट करते हो बिजनेस, तो आपको प्रॉफिट कैसे रहता है। दोस्तों मैंने आपको अलग अलग प्रकार के पाउच पैक करके दिखाए, मैंने आपको अलग अलग तरीके के, अलग अलग वेराइटीज के, मैंने आपको 10 से 20 तो मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बता दिए। और आप, मैंने बोल रहा हूँ, 50, 100 जितने चाहो उतने आप पैक कर सकते हो ना पाउच, जो भी आपके माइंड में आए आप पैक कर सकते हो। हल्दी, धनिया, बरियाली, जीरा, प्रसाद, दलिया, ये मैंने आपको इतने सारे पाउच बताए। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट क्या रहता है। तो दोस्तों आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, मशीन को खरीदना है और आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होलसेल के अंदर से खरीदना है। दोस्तों होलसेल के अंदर से मतलब आपको पता चल गया होगा, होलसेल का मतलब थोक बाजार से आपको इन पाउचों को खरीदना होता है। थोक बाजार के अंदर आपको जो सस्ते में मिलते हैं, फिर दोस्तों आपको इन पाउचों को पैक करना है। और दोस्तों पाउच के अंदर आपको 5 से 10 रुपये का प्रॉफिट करके मार्केट के अंदर सेल करना है। दोस्तों मैं आपको अभी प्राइस तो मैं आपको नहीं बता सकता क्या क्या प्राइस में मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी के मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइस के अंदर प्रोडक्ट मिलते हैं। तो नॉर्मली जैसे कि अगर आप 100 ग्राम का पैकेट रेडी करते हो, इसके बजाय 3 से 4 रुपये का प्रॉफिट रख सकते हो। अगर आप केजी या 2 केजी का करते हो तो 10 से 20 रुपये का प्रॉफिट रख सकते हो, है ना। मतलब आप 10 से 20 रुपये का प्रॉफिट रख के अलग अलग प्रकार के आपके जो प्रोडक्ट है उसे मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। दोस्तों ये पॉलिथीन जो देख रहे हो ना, ये भी हमारे पास मिल जाएगी। और दोस्तों आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिख रहे होगा, इस नंबर पर कॉल करके भी आप इन मशीनों के बारे में जानकारी ले सकते हो। दोस्तों पाउचों की बात करें तो ये रहे पाउच, देख सकते हो, एक साइड से सिल्वर आते हैं और एक साइड से ट्रांसपेरेंट आते हैं। मतलब दोस्तों एक साइड से तो आपको सिल्वर दिखता है कुछ इस प्रकार से, और एक साइड से आपको ये दिखता है। दोस्तों इसके ऊपर अपनी ब्रांड का नाम भी लगा सकते हो, मैंने आपको लगा कर भी दिखाया था ब्रांड के नाम से। दोस्तों देखो तो ये आपका स्टिकर लगा सकते हो, या आपके इस पॉलीथिन के अंदर भी आप स्टिकर लगा सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको ये जो मशीन देख रहे हो इनके सबकी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप ऊपर देख रहे हो ना ये, और मैंने आपको प्राइस भी बता ली है। और भी कोई जानकारी लेनी हो, अगर आपको मशीन खरीदनी हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, उस पर कॉल करके आप इन मशीनों के बारे में जानकारी ले सकते हो। और अगर आपको कोई भी पॉइंट मिस रह गया, अगर आपको किसी की मशीन की प्राइस पता नहीं चली हो, तो कॉल करके जानकारी ले सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।